रहे हैं। यही पत्थर था जो ख्वाजा साहब के ऊपर आ रहा था, जादूगर जोगी जयपाल ने गिराया था। प्यारा ही व्यू दिखता है इस। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे नए ब्लॉग में। दोस्तों आज हम लोग जा रहे हैं किसी जगह पर जहाँ पर जाने के लिए लोग बहुत प्लानिंग करते हैं लेकिन जा नहीं पाते, जाते वही हैं जिनका बुलावा आता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ख्वाजा गरीब नवाज के आस्थाने की जब हाजिर देने के लिए। अब एकदम जो है हम देखिए आपको रेडी हो गए हैं और बस हमें रूम से निकलना है और टैक्सी लेके जाना है दरगाह की तरफ। ये हमारे होटल की बालकनी है। हम लोग जो है अपने होटल से निकल चुके हैं और पैदल ही जा रहे हैं हम लोग दरगाह शरीफ की तरफ। यहाँ से दरगाह शरीफ हमारे होटल से ज़्यादा दूर नहीं है, मुश्किल से जो है 600-700 मीटर होगी, इसलिए हम लोग पैदल ही जा रहे हैं। लोग दरगाह शरीफ पर जा रहे थे लेकिन हमारे होटल से निकले थे जो है नाश्ता नहीं किया था, सोचा मजाक से जाने से पहले नाश्ता कर लें। वहाँ पर जाने पर बहुत टाइम लगेगा और जो आज जुमा भी है, नमाज़ पढ़नी है, तो बिल्कुल बहुत जोर से लग जाएगी, इसीलिए जो है पहले नाश्ता कर लें, थोड़ा खा लिया जाए, उसके बाद में दरगाह से निकले जाए। खाने में ऑर्डर किया है राइस। हम लोग खाना पीना खा कर जो है निकल लिए हैं, जा रहे हैं अजमेर की तरफ और धूप भी काफ़ी अच्छी निकली, एकदम चमकदार धूप निकली हुई है। जा रहे हैं, ये सामने आप देख रहे हैं गेट दिख रहा है आपको, वही मेन गेट है। चलिए आप, यह दरगाह शरीफ का मेन गेट है, इसको बुलंद दरवाज़ा कहते हैं और यहाँ से ही जो है दरगाह शरीफ में आगे अंदर जाने के लिए एंट्री होती है। से इंटर हो गए हैं, अब आगे भी एक गेट बना हुआ है, ये देखिए। आप अंदर आ गए एकदम सामने में, देखा जो है डेक लगा हुआ है, बहुत ही बड़ा डेग है, दुनिया का सबसे बड़ा डेग है, आपको दिखाते हैं, बनी रही है। खाना है यहाँ पर, वज़ू बनाने के लिए लाइन लगी हुई है और वज़ू बनाना है हम लोगों को भी, क्योंकि आज जुमा है और जुमे की नमाज़ पढ़ना है और नमाज पढ़ने से पहले वज़ू बनाना बहुत ज़रूरी है। मुझे यहाँ का वज़ू खाना है, देखिए सब लोग वज़ू बना रहे हैं। गजब की दीवानों की भीड़ लगी हुई है, तो देखिए जाने का ही ना रास्ता मिल रहा है ना आने का। तो गाइस हम लोग जो है मजा से पे हाजिर देकर और नमाज जुमा अदा करके आ गए हैं, अब हम लोग जा रहे हैं तारागढ़ की चढ़ाई चढ़ने के लिए। वहाँ पर एक मजा से पे वहाँ हाजिर देंगे और तारागढ़ पहाड़ के ऊपर ही पृथ्वीराज चौहान का किला है, वो भी देखेंगे। तो आप लोग ब्लॉग बने रहिए, आपको भी दिखाएंगे। जा रहे हैं तारागढ़ की चढ़ाई चढ़ने के लिए, यही रास्ता है तारागढ़ की चढ़ाई चढ़ने का। ये देखिए यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है तारागढ़ रोड, तो यहीं से जो है हम लोगों की तारागढ़ की चढ़ाई शुरू होती है, तो यहीं से हम लोग तारागढ़ की चढ़ाई चलेंगे। और ये जो है जैसे जीने बने हुए हैं वहीं पर रास्ते में एकदम सपाट जमीन आ जाएगी, ऐसे कहते हैं तो ऊपर तक जाएंगे हम लोग। तो गाइस अभी थोड़ी सी चढ़ाई चढ़ाई हम लोग, हालत टाइट हो गई है, पैर दर्द करने लगे हैं, क्या बताएं आपको। यहाँ से देख लीजिए क्या खूबसूरत ही नज़ारा अजमेर सिटी का दिखता है। और बच्चे छपी हुए आएंगे, व्यू पॉइंट आएंगे, हम आपको जो है दिखाएंगे।
चढ़ाई चढ़ेंगे तारागढ़ की, तो ऐसी छोटी मोटी दुकानें आपको जो है मिलती रहेंगी ख़रीदारी करने के लिए, खाने पीने के लिए। इनसे आप कुछ ख़रीदारी भी कर सकते हैं और खाने पीने के लिए भी कुछ ले सकते हैं। वैसे जो टावर देख रहे हैं ना आप लोग, हम लोगों को वहीं पर जाना है और अभी हम लोगों की दिल्ली बहुत दूर है। ये देखिए क्या ही प्यारा व्यू आ रहा है यहाँ से, पूरी अजमेर सिटी का व्यू यहाँ से दिख रहा है। और आपको जो झील दिख रही है इसी को आना सागर कहते हैं। और वो जो आपको बिल्डिंग वो हमारे एकदम उंगली की सीधे दिख रही है, ये अढ़ाई दिन का झोपड़ा है। और यहाँ से ही क्या ही मस्त व्यू आ रहा है, ये देखिए। चढ़ते चढ़ते बहुत थक गए हैं, तो यहाँ पे छोटी सी टपरी है, यहाँ पे बैठे हैं चाय पीने के लिए, रेस्ट करेंगे, चाय पियेंगे, पानी वगैरह लेंगे, उसके बाद फिर आगे की चढ़ाई कंटिन्यू करेंगे। बहुत ही ज़्यादा सांस फूल रही है, क्या बताएं। हम लोग जहाँ पर चाय पीने के लिए बैठे हैं यहाँ से ही क्या खूबसूरत व्यू दिख रहा है, देखिए आप, ये देखिए क्या ही खूबसूरत व्यू दिख रहा है। पूरा सिटी एकदम ऐसा लग रहा है, छोटे से घर देखिए कितने छोटे छोटे लग रहे हैं, एकदम छोटे छोटे। ये आपको जो झील दिख रही है यही अना सागर है। और बिल्डिंगें देखिए आप कितनी छोटी छोटी दिख रही हैं एकदम। हम लोग मान चलिए अपनी जो है 70% जो है चढ़ाई या कंप्लीट कर चुके हैं। और यहाँ से ही क्या ही खूबसूरत व्यू दिख रहा है, बस थोड़ा सा ही पैच और बचा है, उसके बाद हम लोग पहुँच जाएंगे टॉप पर। टॉप पर पहुँच और वहाँ से भी आपको व्यू दिखाएंगे पूरी अजमेर सिटी का, क्या ही प्यारा व्यू दिखेगा। बने जैसे गन्ने का जूस लिया है पीने के लिए, चलते हुए एनर्जी काफ़ी लो हो गई थी, उसको रास्ते रास्ते आए थे। तो यहाँ पर ये एक चीज़ दिखी, यहाँ पर लोग जो है बहुत से हैं, तो लोगों से पूछने पर बताया गया कि यहाँ पर सिक्के डालो और पत्थर पर कान लगा के सुनो तो घोड़े के चलने की आवाज़ आती है। तो हमें राशिद भाई सुन रहे थे, राशिद भाई आई आवाज़, राशिद भाई को आवाज़ आई है, ये देखिए यहाँ पर सिक्के डालिए और जो है आवाज़ आएगी घोड़े के चलने की। लोगों का मानना ऐसा है, पता नहीं होता कि नहीं होता है, मैं बता नहीं सकता। हम लोग जो है ऑलमोस्ट अपनी चढ़ाई जो है 90% कंप्लीट कर चुके हैं। याद देख सकते हैं पृथ्वीराज का किला दिख रहा है और ये मोबाइल टावर का जिसका हमने जिक्र किया था, उसके बाद पहुँचने ही वाले हैं। ऑलमोस्ट 90% जल्दी कंप्लीट हो गई हम लोगों की। चलिए आगे बढ़ते चलते हैं, सांस फूल गई है, क्या बताएं आपको। हम लोग फाइनली किले के दरवाजे पर पहुंच चुके हैं और हम लोग जो है किले के अंदर जा रहे हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या है। यहाँ से एंट्री हुई, साइड में जो कुछ नहीं है, ये लोहे का चैनल लगा हुआ, गेट लगा हुआ है। वैसे जैसे इंडा इंटर होंगे, ये एक मज़ार बनी हुई छोटी सी, और यहाँ पर आप घोड़े ऊँट पे बैठ पे जो है फ़ोटो खिंचा सकते हो। अभी बच्चों के लिए बहुत सी चीज़ें हैं फ़ोटो खिंचवाने के लिए, हम लोगों के काम पर कुछ नहीं है। तो हम लोग जो है इधर फिलहाल थोड़ा ऊपर जाके देखते हैं क्या है। तो गाइस अब हम लोग जो है थोड़ा किले के ऊपर जाके देखते हैं कहाँ क्या है, देखते हैं यहाँ से शहर की खूबसूरती कैसी दिखती है, इसके लिए कहाँ से रास्ता है देखना पड़ेगा। जा रहे हैं ऊपर हम लोग मिली चुनने के लिए, यहाँ से हम लोग को ये सीढ़िया टॉप के चढ़ना पड़ेगा। गाइस चढ़े ऊपर हम लोग, अब थोड़ा ऊपर जाते हैं एकदम टॉप पर, देखते हैं यहाँ से क्या दिखेगा। Oh my God, गाइस ये यहाँ से देखिए क्या प्यारा ही व्यू दिखता है। इसी के लिए इतनी मेहनत करके हम लोग आए हैं ऊपर, ये देखिए, बाकी और कुछ नहीं है, फिर यहाँ से ये प्यारा व्यू दिखता है बस, और कुछ नहीं है। चारों तरफ देख लीजिए दोस्तों, हम लोग फाइनली 1.5 घंटे की चढ़ाई के बाद तारागढ़ पहुँच चुके हैं। यहाँ पर देखिए बहुत ही मशहूर सूफी की दरगाह है, वहाँ पे हाजी देंगे
उसके बाद फिर नीचे उतरेंगे। रास्ते में उतरने के उतरते अभी बहुत सी देखने वाली जगह हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। चढ़ते चढ़ते पैर में दर्द होने लगा है, बहुत दिनों के बाद इतनी लंबी चढ़ाई की है। देखिए तारागढ़ में ऊपर मजा से ऊपर कुछ ऐसा नजारा दिखता है, ये देख लगी हुई है। हम लोगों ने जो है स्टैंड में जमा करा दिए हैं। ये दरगाह शरीफ का अंदर का हिस्सा है, ये देखिए काफ़ी अच्छा बना हुआ है। देखिए मजा का सही ऐसा बना हुआ है, यहाँ पर इधर वजू खाना है। शिवंजा शरीफ के अंदर जा रहे हैं हम लोग। तो हम लोग जो है तारागढ़ पे जो मजा बनी थी उस पर हाजिरी दे लिए हैं, और हाजिरी देकर नमाज असर भी अदा कर लिया है। अब हम लोग जो है तारागढ़ से जो है नीचे उतर रहे हैं। मैं जो भी आपको जो व्यू पॉइंट आएंगे या कोई ऐसी साइड आएगी कि जो हिस्टोरिकल हो तो आपको दिखाएंगे। गाइस चढ़ना तो काफ़ी आसान था और उतरने में जो है बहुत ही ख़राब रास्ता है। आप देख सकते हैं कितना ख़राब रास्ता है, ध्यान से उतरना पड़ रहा है। ज़रा से जो है अगर चूँकि तो पैर स्लिप हुआ और आप खाही के नीचे, ये देखिए इधर नीचे पहुँचेंगे। बहुत ही दुश्वारी भरा रास्ता है, आराम आराम से कदम बचा बचा के चल रहे हैं, और क्या कहते हैं ना कि कदम फूक फूक कर रख रहे हैं। गाइस जी जो आप पत्थर देख रहे हैं यही पत्थर था जो ख्वाजा साहब के ऊपर आ रहा था, जादूगर जो भी जयपाल ने गिराया था इसको ख्वाजा साहब ने अपनी करामत से दो उंगलियों से रोक दिया था। ये वही पत्थर है, ये जब आप इधर तारागढ़ की चढ़ाई पर चढ़ेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर। दोस्तों फाइनली हम लोग जो है तारागढ़ की चढ़ाई उतर के आ गए हैं मेन बाज़ार में। तो आप दोस्तों हम लोग जाके अपने रूम पर ये ब्लॉग होता है समाज। ब्लॉग कैसा लगा आपको, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब के लिए खुदा हाफिज़।